सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस। और अभी हूं यमुना रिवर पर, देख सकते हैं। और यहां से स्टार्ट, जैसे ही अपने रिवर को क्रॉस करेंगे वैसे ही सराय काले खां स्टार्ट हो जाता है गाइस। और आपको बता दूं, देख सकते हैं कि ये मोदी सरकार के राज्य में बना था। और आपको बता दूं, ये 16 लेन का एक्सप्रेस वे बनाया गया है, देख सकते हैं आप चार लाइन इस लाइन में। और आपको बता दूं कि ये वाली लाइन है, ये जाती है सराय काले खां के लिए, और राइट वाली जो लाइन है वो चली जाती है प्रगति मैदान और ये राजघाट के लिए गाइस। देख सकते हैं इसमें तस्वीरें, इस बोर्ड पर पढ़ लीजिए, आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। देखिए, ये सराय काले खां की साइड से ये वाहन आ रहे हैं ऊपर फ्लाईओवर पर, और ये जा रहे हैं गाजियाबाद मेरठ की साइड में, मुरादाबाद की साइड में गाइस। तो आज हम चलेंगे, देखिए इधर सराय काले खां होते हुए आश्रम होते हुए, आज आप लोगों को आश्रम का अपडेट देने वाले हैं। वहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, वहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका है, तो आज आप लोगों को उसी का अपडेट देने वाले हैं। तो केपी संत के चैनल पर आप बने रहिए देखने के लिए गाइस। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं गाइस। और आपको बता दूं, बेस्ट ऑफ मंडर पार्क के पार्क अब वो ख़त्म कर दिया गया है, थोड़ा सा ही बचा है। जब उसका इनॉग्रेशन हुआ था तब मैंने उसका ब्लॉग बनाया था, और वो ब्लॉग के पी संत के चैनल पर पड़ा हुआ है। और आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। और वहाँ पर अब RRTS कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि हमारे सराय काले खां से स्टार्ट होगी और ये मेरठ के बैगम पुल पे जाकर ख़त्म हो जाएगी गाइस। और आपको बता दूं, 82 किलोमीटर का ये रूट बनाया जा रहा है, और रैपिड रेल इस पे दौड़ेगी, जो हमारे भारत की इंडिया लेस, मतलब कि टोटल इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो बनाई गई है वो इंडिया में ही बनाई गई, मेड इन इंडिया ये रैपिड रेल होने वाली है। और 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ेगी गाइस। और आपको बता दूँ कि मेरठ से सराय काले खां बस आध घंटा से एक घंटे के बीच में यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि 45 मिनट में आप लोग सराय काले खां पहुँचेंगे। और आपको बता दूँ कि मुजफ्फरनगर, लुड़की और आपका ये जितने भी हरिद्वार वगैरह, उनके लिए बहुत आसानी होने वाली है, मेरठ के लोगों के लिए बहुत आसानी होने वाली है। और RRTS बनाई जा रही है गाइस, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, बहुत तेज़ी के साथ में इस पर वर्क चल रहा है, और अभी ट्रायल चल रहा है इसका दुहाई डिपो के अंदर में, उसका भी मैं ब्लॉग दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और आपको बता दूँ, अगले महीने से आप लोगों के बीच में डेली रेगुलर अपडेट देखने के लिए मिलेंगे केपी संत के चैनल पर। तो देख सकते हैं ये सराय काले खां निकल चुके हैं और हम आगे की साइड में बढ़ रहे हैं गाइस। तो देखिए, ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है वो सामने, और इस पर RRTS का ही काम चल रहा है अभी गाइस। में यहाँ पर पिलर अभी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी ग्राउंड फ्लोर का ही काम चल रहा है गाइस, क्योंकि अभी फर्स्ट फ्लोर बना नहीं है, फर्स्ट फ्लोर बनाने की तैयारी चल रही है। तो इस पर थर्ड फ्लोर बनाया जाएगा, तीन फ्लोर होंगे। तीसरे फ्लोर पर गाइस आपको बता दूं का RRTS चलेगी, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम चलेगी गाइस, और बहुत ही अद्भुत इसका स्टेशन होने वाला मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको बता दूँ, ये आ जाता है बारापुल्ला, जो कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये एम्स में जाके ख़त्म होता है। और आपको बता दूँ, ये पूरा रूट है ये मयूर बिहार जाके ख़त्म होगा, क्योंकि बीच में इसका लैंड एक्वायर नहीं हो पाया, ज़मीन किसानों ने नहीं दी है, तो उस वजह से इस पर यमुना रिवर पर, अभी यमुना रिवर पर इसका ब्रिज बनाया जा रहा है। और RRTS के दो पिलर ये हैं गाइस, देख सकते हैं इन पर ब्लैक टॉप होना बाकी है। और ये आ जाता है चंद्र घंटा, ये वाला देख सकते हैं, ये फुटओवर ब्रिज है, ये चंद्र घंटा है, और इसके अंदर से ही जा रही है RRTS। और उस अशोक नगर होते हुए, आनंद विहार होते हुए, ये वैशाली निकलते हुए साहिबाबाद, गाजियाबाद और दुहाई, और ये आपके इस तरीके से होती हुई जा रही है। तो आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लेना, केपी संत के चैनल पर बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे RRTS से रिलेटेड आप लोगों को गाइस, बहुत सारे मैंने ब्लॉग बनाए हैं, तो आप लोग जाके देखना। देख सकते हैं ये चला जाता है यहाँ से DND फ्लाईओवर, यानी कि नोएडा की साइड में, और ये आ जाता है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गाइस आश्रम का फ्लाईओवर। तो यहाँ से कितना कुछ काम हो चुका है वो आप लोग अपनी आंखों से देखना।
देखो, और यहाँ पर आए दिन स्लो डाउन लगा रहता है भाई साहब। अगर आधे घंटे के लिए, अगर अभी आधा घंटा आपको निकलना है कि चलो भैया आधे घंटे में निकल जाएंगे, तो आप लोग दिमाग से निकाल दो। करीब करीब आपको गाजियाबाद से दिल्ली में आने के लिए, फरीदाबाद आने के लिए 2 से 2.5 घंटे का वेट आपको, मतलब कि इंतज़ार करना ही पड़ेगा। 2 से 2.5 घंटे आपको लगने ही लगने हैं फरीदाबाद जाने के लिए। अगर आश्रम से आप आते हैं तो आनंद विहार की साइड से आते, ये क्या नाम है, सराय काले खां की तरफ से आते हैं, या DND की साइड से आप आते हैं तो देख सकते हैं। आपको बता दूँ इस पर अभी ब्लैक टॉप होना बाकी बचा है, बाकी सारा काम हो गया है, फ्लोरिंग का काम हो गया है इस पर, और कंक्रीट का इस पर लेप कर दिया गया है गाइस, देख सकते हैं, क्योंकि आधा ये कंप्लीट हो गया है। और ये मेरे राइट में जो वाहन आ रहे हैं वो आ रहे हैं DND की साइड से, यानी कि नोएडा की साइड से गाइस, और हम आए हैं सराय काले खां की तरफ से, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। क्योंकि आपको बता दूँ, जब हम लाजपत नगर की साइड से अगर आते हैं तो इसमें दो रास्ते दिए गए हैं। एक तो DND के लिए सीधा दिया गया है फ्लाईओवर, DND के लिए देखो वो पल्ला वाला है, ठीक है, और यहीं से और दूसरा रास्ता कट जाएगा सराय काले खां, यानी कि लेफ्ट के लिए कट जाएगा। तो आप लोगों को अगर टोटल वीडियो यार इसका देखना चाहते हैं तो आप लोग मैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसका फुल वीडियो बनाऊंगा, फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूं साउथ एक्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है वहां पर, तो मैं इस वजह से आप लोगों को जितना आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जितना सुनने के लिए मिल रहा है, उसी से आप अपना काम चलाइए। बाकी मैं अपडेट जल्दी लाऊँगा और आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूँगा गाइस कुछ दिनों के बाद में। तो देख सकते हैं इस पर फ्लोरिंग हो गया, और आपको बता दूं कि इस पर ये लोहे के गाटर डाले जा रहे हैं, इस पर जो इस पर पिलर पे जो लोहे के गाटर हैं वो बिछाए जा रहे हैं, ताकि इस पर ट्रैफिक डाइवर्जन ना किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन होगा उसको रोकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से इन्होंने लोहे के ये गाटर द्वारा इस पर फ्लोरिंग किया जा रहा है, और इस पर साइड कैप साइड बॉल का काम किया जा रहा है, यानी कि बॉल साइड बॉल लगाए जा रहे हैं। देखिए इस पर फ्लोरिंग का काम हो गया, मतलब एक हिस्सा कंप्लीट हो गया है लेफ्ट वाला, अभी राइट वाला बाकी बचा है, और ऐसे ही आगे भी बचे हैं। तो देख सकते हैं आधा काम हो चुका है और आधा बचा है बाकी गाइस। तो इन पर भी जल्दी बहुत तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है, कंपनी PW द्वारा ये बनाया जा रहा है, जो दिल्ली की मतलब गवर्नमेंट सरकार है उसमें ही, गवर्नमेंट में ही आता है ये PWD, तो मतलब कि सरकार के ही उसमें आती है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं आता है PWD, ये सरकारी उसमें आता है गाइस। तो PWD द्वारा ये आश्रम चौक पर ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, क्योंकि इसी को देखते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम रहता था। तो वैसे तो केजरीवाल सरकार सही काम करवा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा काम करवा रही है, कि कहाँ जाम है कहाँ नहीं है सही चल रही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें धांधलेबाजी ज़्यादा है, क्योंकि सफाई में बहुत ज़्यादा है, केजरीवाल सरकार बेकार है सफाई के मामले में, पता नहीं क्या कर रही है। हमारी मोदी सरकार बेस्ट, एकदम बेस्ट हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए BJP इज बेस्ट, देख सकते हैं। ये देखिए अभी इस पर ब्लैक टॉप होना है रोड पे भी, और इसके फ्लाईओवर के ऊपर भी। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा बनके, तब इस पर नीचे ब्लैक टॉप किया जाएगा रोड का। तो देख सकते हैं आधा रोड टूटा हुआ है गाइस। और आपको बता दूं, ये पिलर कैप का काम चल रहा था, इस पे इस पिलर पे पिलर कैप लगाया गया है, देख सकते हैं इस पर ये सेटरिंग लगी हुई है, अब ये सेटरिंग उतारी जा रही है गाइस। तो इसी वजह से ये डिले हो रहा है, मतलब कि थोड़ा सा बहुत कम काम चल रहा है, इस पर तेज़ी के साथ में नहीं चल रहा है। तो मेरी आशा है कि तेज़ी के साथ में इस पर काम किया जाए और इस ट्रैफिक से निजात दिलाई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको बता दूँ, फरीदाबाद जाने वालों के लिए, ओखला जाने वालों के लिए, और आपके ये लाजपत नगर, और आपका ये साउथ एक्स जाने के लिए, चिराग दिल्ली जाने के लिए बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए इस पर तेज़ी के साथ में इस पर वर्क नहीं किया जा रहा है गाइस। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि PW द्वारा
PWD द्वारा इस पर वर्क किया जाए तेज़ी के साथ में। देख सकते हैं, आपको बता दूं कि यहीं से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी स्टार्ट होता है, जो कि ये आपका DND होते हुए चला जाता है, कालिंद्री कुंज होते हुए, फरीदाबाद होते हुए ये निकल जाता है। उसका भी आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगा बहुत ही जल्द। और DND से स्टार्ट होता है, आपकी बता दूँ तो एक तो ये आश्रम चौक पे ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, दूसरा DND पे आपको बता दूँ RRTS कॉरिडोर का काम चल रहा है, वो भी DND के बगल से ही निकलती हुई जा रही है, ये आपके अशोक नगर होते हुए। और तीसरा ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया ही जा रहा है गाइस, जो कि यमुना के किनारे किनारे बनाया जा रहा है। तो आपको बता दूं गाइस कि अगर हम यहां से लेफ्ट जाएंगे तो फरीदाबाद के लिए चले जाएंगे, और राइट में जाएंगे तो हम इंडिया गेट के लिए चले जाएंगे गाइस। तो आज का ब्लॉग यही था, तो देखने के लिए तैयार रहिए आप लोग, और ऐसे ही ब्लॉग से देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।